हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी स्विंग की ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास उस ट्रेड को लेने से पहले लॉजिक होना चाहिए। अब टोटल 6 सेटअप हैं जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3 पिछले हफ्ते के रिकमेंडेशन हैं और 3 हमारे नए सेटअप हैं। अब इन सेटअप्स को डिस्कस करें उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये स्विंग के सेटअप्स हैं, कई बार लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर आप लो रिस्क ट्रेडर हो तो आप शेयर्स बाय करो, अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड लो, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो स्पेसिफिकली नेकेड ऑप्शंस में, यानी खाली कॉल या पुट बाय करते हो, तो नेकेड ऑप्शंस में क्या होता है, स्विंग सेटअप जैसे पिछले हफ्ते हमने 3 रिकमेंड किए थे, बर्जर, SBI लाइफ और HDFC लाइफ। तीनों में टारगेट आ गए 2-3 दिन के अंदर ही, तो मोमेंटम आया। अगर आप नेकेड कॉल में भी बैठे तो आपको डिसेंट प्रॉफिट हो जाता। कई बार स्विंग सेटअप 3-4-5 दिन साइडवेज होने के बाद चलते हैं, तब प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि तब ट्रेड तो गलत होती नहीं है, क्योंकि ना स्टॉप लॉस आया ना टारगेट आया, बट साइडवेज होने के कारण ऑप्शन बायर को, नेकेड ऑप्शन बायर को टाइम वैल्यू डिके का लॉस फेस करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, जिसमें टाइम वैल्यू डिके होना भी आपके फेवर में ही आएगा। तो टोटल 6 सेटअप हैं, एक एक करके इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सबसे पहला सेटअप है SBI लाइफ का है, एक 1410 से 1425 का इम्पोर्टेंट जोन था। शेयर लास्ट वीक उसे गेन करके उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा था, तब इसे रिकमेंड किया गया था। पहली बार 13 EMA को गेन करने के बाद कंसोलिडेट भी कर रहा था 2-3 महीने में, तो इसे रिकमेंड किया गया था। 1410 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, 1450 और 1474 के दो टारगेट थे। इस वीक का आप हाई देखोगे तो थर्सडे को 1479.45 का लगा, तो जो दोनों टारगेट थे दोनों हिट हो गए। मैं होप करता हूँ आपने ये ट्रेड ली होगी, और अगर ली होगी तो दोनों टारगेट आ चुके हैं, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए होगा। तो ये सेटअप हम क्लोज करते हैं। अगला फ्रेश सेटअप है इस वीक का एशियन पेंट, 2900 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। पिछले 7-8 दिन से उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है, 13 EMA को भी बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है, वीकली चार्ट में भी 2900 को सेव कर रहा है। चांसेस है कि इसमें बाउंस बैक आ सकता है, 3000 तक के टारगेट और 2875 को ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। तो दो सेटअप है, SBI लाइफ दोनों टारगेट आ चुके तो क्लोज्ड है, एशियन पेंट फ्रेश सेटअप है जिसे अगले हफ्ते लिया जा सकता है। अगला सेटअप है बर्जर पेंट का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था और इलेक्शन के आउटकम के कारण पूरा मार्केट ही गिरा था, ये भी शेयर गिरा था। लास्ट वीक अपने इंपॉर्टेंट लेवल 475 को गेन करके सस्टेन कर रहा था, फ्राइडे को 13 EMA के ऊपर क्लोज देकर गया था। चांसेस थे कि शेयर बाउंस बैक करना चाहिए, तो 475 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 490 और 500 के दो टारगेट के साथ रिकमेंड किया गया था। बट एक ट्रिगर था, क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग 13 EMA के ऊपर आई थी, सस्टेन होता तो ज़्यादा बढ़िया होता, इसलिए एक ट्रिगर था कि मंडे को अगर 13 EMA के ऊपर ही क्लोज दे तो इसे लेना चाहिए। मंडे को सस्टेन करके गया था तब हम ले सकते थे। इस हफ्ते का आप हाई देखोगे तो थर्सडे को लगा है 504.95 का, यानी हमारे दोनों टारगेट आ चुके हैं। तो होपफुली आपने अगर ये ट्रेड ली होगी, दोनों टारगेट आ चुके हैं, आप प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे। तो 3 सेटअप है, SBI लाइफ और बर्जर पेंट लास्ट वीक के थे, उसमें दोनों टारगेट आ चुके हैं, दोनों सेटअप क्लोज्ड हैं, एशियन पेंट फ्रेश है जिसे आप अगले हफ्ते ले सकते हो। अगला फ्रेश सेटअप है इंडसइंड बैंक का, और शेयर 1500 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको थर्सडे गेन करके गया था, फ्राइडे सस्टेन भी कर रहा है, वीकली क्लोजिंग भी ऊपर आई है, और काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी में इस शेयर ने कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, काफ़ी लैगार्ड कर रहा है और काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन जोन में है। अगर आप देखोगे तो जनवरी से कंसोलिडेट ही हो रहा है इन्हीं लेवल्स के ऊपर, और चांसेस है कि यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। एटलीस्ट ये 1500 के अराउंड रेसिस्टेंस ले रहा है पिछले 3-4 महीनों से, वहाँ तक तो आना ही चाहिए। तो 1525 1549 के दो टारगेट होंगे, 1480 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। अगला सेटअप है HDFC लाइफ का, ये अगले हफ्ते रिकमेंड लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, 550 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी थी जब इलेक्शन के
आउटकम के बाद जो बाउंस बैक आया उसमें, और फ्राइडे को 7 जून को 13 EMA के ऊपर क्लोज देकर गया था। चांसेस लग रहे थे कि शेयर बाउंस बैक कर सकता है, 575 और 599 के दो टारगेट थे, 550 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, बट एक ट्रिगर था कि मंडे अगर 13 EMA के ऊपर सस्टेन करे तो सेफ रहेगा, तब हम ट्रेड लेंगे। मंडे को सस्टेन कर गया था, और उसके बाद अगर आप इस वीक का हाई देखोगे तो फ्राइडे को लगा है 601.8 का, दोनों टारगेट सक्सेसफुली आ गए। होपफुली आपने ट्रेड ली होगी और अपना प्रॉफिट बुक करके आप निकल गए होंगे। तो 5 सेटअप है जिसमें 2 फ्रेश हैं इस हफ्ते के, एशियन पेंट और इंडसइंड, 3 लास्ट हफ्ते के हैं SBI लाइफ, बर्जर और HDFC लाइफ, तीनों में दोनों टारगेट आ चुके हैं। मैं होप करता हूँ आपने ट्रेड लेकर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दिया होगा। लास्ट फ्रेश सेटअप है TCS का, और TCS में 3800 का एक लेवल है जिसको ये काफ़ी टाइम से सेव कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इलेक्शन के आउटकम में नीचे 3600 तक गया था, बट सक्सेसफुली इसने उसे रिगेन कर लिया था। फ्राइडे को 13 EMA के ऊपर बंद करके गया, 3-4 दिन से वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। और थोड़ी एडिशनल या एडवांस प्रिडिक्शन है, बट डेली चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है इस शेयर में, तो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है जिससे लगता है कि शेयर बाउंस बैक कर सकता है। 3900 और 3949 के दो टारगेट, 3800 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर हम स्टॉप लॉस लेंगे। तो 6 सेटअप हैं जिसमें एशियन, इंडसइंड और TCS फ्रेश हैं, जिन्हें अगले हफ्ते ट्रेड किया जा सकता है। SBI लाइफ, वर्जन पेड, HDFC लाइफ लास्ट वीक के सेटअप हैं जिसमें दो दो टारगेट दिए गए थे आपको, दोनों ही टारगेट तीनों में आ चुके हैं। तो मैं होप करता हूँ आपने ट्रेड ली होगी और प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दिया होगा। तो ये था इस वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। ट्यूसडे मार्केट बंद है तो सॉरी मंडे मार्केट बंद है तो आपके पास 4 दिन है जिसमें आप ट्यूसडे को इन सेटअप्स में एंट्री ले सकते हो। तो इसी विश के साथ कि अगला वीक आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ कभी भी 100% चांसेस नहीं होते, वो किसी के भी नहीं होते, बट मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, विदाउट लॉजिक कोई भी ट्रेड ना लें, और किसी भी टेलीग्राम चैनल शॉर्टकट या टिप्स के चक्कर में ना रहें, वो आपकी जो कैपिटल की हेल्थ है उसके लिए ज़रूर इंजीरियस होगा। तो ये था इस वीक के, आने वाले वीक के रिगार्डिंग अ डिस्कशन। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच, और ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करेंगे तो होपफुली वो आपको मार्केट में फ्रूटफुल रिजल्ट दे पाएगी। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी।